नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आज फिर एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 16735XM। तो दोस्तों, हमने इस गाड़ी का ब्रेक खोल चुके हैं इसका ब्रेक शो चेंज करने के लिए। जब हमने इसका ब्रेक ड्रम को खोला तब हमें पता चला कि इसका प्रॉब्लम कुछ अलग है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका ब्रेक ड्रम खोल चुके हैं और ब्रेक ड्रम में कितना ऑयल आया हुआ है आप तो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑयल सी लगता है वो चेंज करने के लिए हमने जब इसका प्लेट खुला तब भी हमें पता चला कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना ये शाफ्ट चाल है और कितना आवाज़ कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। और देखिए दोस्तों, कितना चाल है। और ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका लिप कवर को खोल देंगे और लिप कवर को खोलने के बाद मैं इसका प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसान भाइयों में शेयर करना भी मत भूलना। तो दोस्तों, अब देखिए हमने उसका लिप कवर को खोल चुके हैं और यहाँ पर जो बेरिंग लगता है वो बेरिंग का प्रॉब्लम ही है। वो बेरिंग को मैं बाहर निकलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये उसका कोन है जो बेरिंग के ऊपर के हिस्से में रहता है, उसको हमने खोल चुके हैं। पहले उसका कोन बाहर निकलता है, इसके बाद हम इस बेरिंग को बाहर निकालेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में बेरिंग का प्रॉब्लम है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका मोड़गार्ड को खोला नहीं, ये मड़गा लगे रहेगा और लगे रहने के बाद भी मैं इस बेरिंग को खोलूँगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमने इस बेरिंग को खोल चुके हैं और इसका बेरिंग का प्रॉब्लम ही है। और ये देखिए दोस्तों, बेरिंग का हालत क्या हुआ है, इसकी वजह से ही ये शाफ्ट चाल हो रहा था और यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था। और इसका आवाज़ भी मैं आपको सुनाता हूँ कि कितना आवाज़ आ रहा है बेरिंग। तो दोस्तों, आपने तो इस बेरिंग का साउंड सुन लिया होगा कितना आवाज़ आ रहा है बेरिंग। तो दोस्तों, हम इस बेरिंग को चेंज करेंगे और किस तरह से ये बेरिंग को मैं बिठाता हूँ यहाँ पे बिना मड़गाड़ खुले। तो ये देखिए दोस्तों, ये उसका नया बेरिंग है जो हमने मंगवाया है, ओरिजिनल है, जिनवेन। और इसका MRP भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 872 रुपये। और ये है उसका बेरिंग नंबर 32212। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लगाएंगे बेरिंग को इस तरह से। तो दोस्तों, इस बेरिंग को बिठाने के लिए नीचे लेटना पड़ेगा और हमने इस एक पहिए पे जेक लगा ली है ताकि ये पहिया घूम सके। और इस पहिया को घुमा घुमा के इसका बेरिंग को आराम से धीरे धीरे बिठाएंगे। तो पहले हम इस तरह से थोड़ा बिठा देते हैं एक तरफ से। अब देखिए दोस्तों, हमने बेरिंग को बिठा दिया है यहाँ पे और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं। इस बेरिंग को बिठाने के बाद उसमें जो ऊपर की और इसका कोन रहता है उसको भी हमने बिठा लिया है। इसके बाद हम उसका ऑयल सील प्लेट को यहाँ पे बिठा लेंगे और इसका ऑयल सील भी हमने चेंज किया है। तो अब देखिए दोस्तों, इस सब को हम हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये साफ नहीं हिल रहा है। पहले जितना हिल रहा था अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो फिट हो चुका है, अब हम उसका लिप कवर को और इसकी ब्रेक को फिट कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमने उसका सब कुछ फिट कर चुके हैं, अब हम उसका सीट को भी फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।